राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेगी। किरणें 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑटो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएगी। यहां किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी अशोक उपाध्याय के मुताबिक कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। रविवार को दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ तो किरणें रामलला के होठों पर पड़ी, फिर लेंस को दोबारा सेट कर सोमवार को ट्रायल हुआ तो किरणें मस्तक पर पड़ी। इसे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन अब तय माना जा रहा है। 3 दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।